हेलो दोस्तों, आज पूरी हम बात करने वाले हैं वीवो V27 डिवाइस के अंदर कोल्ड कोडिंग सेव कहाँ होती है। दोस्तों, जो आप कोल्ड कोडिंग करते हैं वो कहाँ पे सेव होता है, उसको कैसे ओपन करेंगे, आप कैसे अपने कोल्ड कोडिंग को सुनेंगे, कैसे उसको शेयर करेंगे, कैसे उसको डिलीट करेंगे, ये सब चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों, आपके फोन में कोई भी कोल्ड कोडिंग हो जाता है वो आपको नहीं मिलता, वो कहाँ चला जाता है, कहाँ पे सेव होता है, ये चीज आपको पता नहीं लगता है। तो यही चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जो आपकी कोल्ड कोडिंग है वो कहाँ पे सेव है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएं कि आपके फोन में कोल्ड कोडिंग फाइल सेव कहाँ होती है। दोस्तों, उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने डाटा को ओपन करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें, जो भी आपकी कोल्ड कोडिंग है वो आपके फाइल मैनेजर के अंदर सेव नहीं होता है। आप कोई भी कोल्ड कोडिंग करते हैं आपके फाइल मैनेजर के अंदर सेव नहीं होता है। जो आपका डॉलर है वो गूगल डॉलर है, इसलिए आपकी जो भी कोल्ड कोडिंग है वो आपके डॉलर के अंदर ही सेव हो जाता है। तो चलिए, उसको कैसे ओपन करना है, कैसे उसको सुनना है, कैसे उसको शेयर करना है, कैसे उसको डिलीट करना है, सब कुछ हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर अपने डॉलर को ओपन करना है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा डॉलर है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो देख रहे हैं हमारा जो डॉलर है यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आपके जो नंबर होंगे सब कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे ऊपर में एक कंप्लेंट का नंबर हमने यहाँ पे डायल किया है, और वहां पे कंप्लेंट के नंबर के आगे आपको एक दिख रहे हैं छोटा सा वॉइस आइकन आ रहा है यहाँ पे, तो हमने इस पे कोल्ड कोडिंग भी किए हैं। तो आप जिस नंबर पे कोल्ड कोडिंग करेंगे उस नंबर के आगे आपको छोटा सा वॉइस आइकन आ जाएगा, वो तुरंत आएगा। जैसे आप तुरंत कोल्ड कोडिंग करेंगे तभी वहां पे आएगा, अगर आप दोबारा कॉल लगा देते हैं, नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पे वॉइस आइकन नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे आप तुरंत करते हैं तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जो आपकी कोल्ड कोडिंग है यहाँ पे तुरंत शो हो जाएगी, और यहाँ से अपने कोल्ड कोडिंग को आप चला के सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारी कोल्ड कोडिंग यहाँ पे चलने लगता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी जो कोल्ड कोडिंग यहाँ पे चलने लगता है। दोस्तों, आप जैसे एक बारी बहुत बारी कोल्ड कोडिंग कर लेते हैं, एक बारी किए कोल्ड कोडिंग, इसके बाद आप बहुत बारी कोल्ड कोडिंग कर लिए, तो बहुत बार अगर आपने कोल्ड कोडिंग कर लिया है तो उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। तो आपको हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, योर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके जो कॉल की हिस्ट्री है यहाँ पे आ जाएगी, जिस टाइम में आपने कॉल लगाया था उसी टाइम में आपको यहाँ पे ढूंढना है, और उसी टाइम में आपको रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा। उस टाइम में आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, जिस टाइम आप कॉल लगाए रहेंगे उसी टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो उस टाइम में आपकी जो हिस्ट्री है उसी हिस्ट्री के साथ में आपको अपना कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हिस्ट्री रहेगा यहाँ पे रहेगा, और इसी में आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा। कोल्ड रिकॉर्डिंग जिस पे रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिस्टेड टू रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीट हो गया है कोल्ड रिकॉर्डिंग, यहाँ पे डिलीट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे कोल्ड रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया, आप इसको डिलीट भी इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर शेयर भी करना रहेगा आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फोन में अपने कोल्ड रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फोन में जो कोल्ड कोडिंग फाइल है उसको ओपन करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।